ये चकली कबाब लगा, ये भाई हरी मिर्ची फ्राई हो रही है, रेट भी अच्छा है और अच्छा रेट के हिसाब से टेस्ट भी अच्छा है इसका, टेस्ट बहुत बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमना, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज भाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कराची का सबसे सस्ता चपली कबाब सिर्फ 50 रुपए में। भाई 50 रुपए में कौन सा गोश्त डाल के दे रहे हैं, तो यही चीज जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए। तो ये एड्रेस क्या है और इस कबाब का टेस्ट कैसा है सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा भाई अगर इनका एड्रेस समझाऊं, अगर आप A1 पिशावरी से आ रहे हैं तो सीधा रोड आएंगे आपको ये माई चॉइस बेकरी, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो बराबर में आपको मानसेरा चपली कबाब के नाम से दिखेगा। इसके बराबर में भी एक है लेकिन अब अभी इनसे ट्राई कर रहे हैं, बाकी आप इनको दिखाते हैं। लोगों का रश लगना शुरू हो गया भाई। ये देखिए ये चपली कबाब भाई लगा रहे, ये चपली कबाब लगा, ये और यहाँ पर भाई चपली कबाब पार्सल हो रहे हैं, मसाला डाला और हरी मिर्च भी इसके साथ पार्सल है भाई। अच्छा भाई भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़्यादा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद ताहिर हुसैन। ताहिर भाई आप मुझे ये बताइएगा, ये 50 रुपए का चपली कबाब आप दे रहे हैं तो ये कैसे दे रहे हैं जरा थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि लोगों का डाउट होता है 50 रुपए में पत्नी कैसा चीज़ दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, थोड़ा बता दीजिएगा। असल में ये KPK की सौगात है, उन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये। कराची में बहुत कम जगहों पर ये कबाब बनाया जाता है, वो जहाँ बनाया जाता है वो हाई लेवल के जो हैं वो बड़े रेस्टोरेंट बड़े बने हुए हैं, तो वहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लोग वहाँ जाके जो शौकीन होते हैं जो खाते हैं वहाँ पर, तो वो बहुत कॉस्टली रेट होते हैं, जाहिर सी बात उनके अपने अखराज होते हैं। जी हम लोगों ने छोटे लेवल पर काम शुरू किया हुआ है, इसमें हर चीज़ खालिस है, हर चीज़ एक तरीके से डाली हुई है, एक नंबर चीज़ है, कोई इसमें दो नंबरी वाली बात नहीं है अगर आपके जहन में हो। दूसरा हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि गरीब आवाम है, गरीब आवाम की पहुंच में क्या आएगा, कोस्ट तकरीबन उतनी ही आती है जितना हमारे मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, हमने इसी क्वांटिटी कम करके 50 रुपये में कर दी है। खुदा ना खास ऐसी थी कि हम सस्ता बेच रहे, रेट मुनासिब ही है, चीज़ वही है लेकिन रेट कम होने की वजह से 50 रुपये के नाम पर लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह से चीज़ अच्छी दे रहे हैं। गोश्त यूज़ हो रहा है मतलब कौन सा है, थोड़ा ये बताने के लोगों को डाउट होता है ना भाई ये सस्ती चीज़ दे रहे हैं। के एरिए में लोग गोश्त खाया जाता है वो भैंस का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कराची के लोग गाय का गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो हम लोग इसमें गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। बीफ के कबाब है भाई, डाउट हो सकता क्लियर हो गया होगा, तो बाकी आप एड्रेस वगैरह टाइमिंग वगैरह भी बता दिएगा क्योंकि थोड़ी बहुत। यहाँ हम लोग जो टाइमिंग स्टार्ट की हुई है 5:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक टाइमिंग है। अगर आप शाह फैसल कॉलोनी कभी आते हैं तो पिशावरी चपली कबाब का नाम आपने सुना होगा, जाहिर सी बात आप आए भी होंगे, अगर वहाँ आते हैं तो वहाँ से सीधे एक नंबर टंकी की तरफ आएंगे तो बिल्कुल दरमियान में सब्जी गली के सामने उस्मानिया मस्जिद के बिल्कुल सामने 2 स्टॉल लगे हुए हैं। सही है भाई, मानसेरा चपली कबाब के नाम से जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, अब सर अपने चपली कबाब भी फिर बनवाते हैं और उसका टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये भाई हरी हरी मिर्च को भी इन्होंने डाल दिया तवे पे, कबाबों के साथ ही फ्राई हो गया, तवा तवे बेहतरीन हो गया। ये हरी मिर्च बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो गई, जबरदस्त भाई बेहतरीन, ये कबाब भी रेडी हो गए। अच्छा भाई अभी तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है और रश लग रहा है लोगों का शुरू हुआ कि भाई कबाब लगा रहे हैं। भाई भी एक कबाब लेने आए हैं, इनके चपली कबाब द्वारा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। सर जी आप इनके कबाब लेने आए हैं, आपने पहले ट्राई करे हैं क्या इनके कबाब? लेके जाते रहते हैं, डेली लेके जाते हैं, रेट भी अच्छा है और माशाल्लाह कबाब भी अच्छा है। अच्छा रेट के हिसाब से टेस्ट भी अच्छा है इसका, टेस्ट बहुत बेहतरीन है, तो आप अक्सर ट्राई करें यहाँ से ले आकर?
पूरी फैमिली ने ट्राई की है। पूरी फैमिली ने ट्राई करे? वाह भाई वाह, पूरी फैमिली ने ट्राई की है। अभी भी आप लेने आए हैं? जी जी। अरे भाई अभी भी कबाब लेने आए हैं भाई। ये है इनका डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पार्सल लेके जाएं, लेकिन पार्सल वालों का भी रश लगना शुरू हो गया। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कबाब बन रहे और लोग लेने आए हैं, रश लगना शुरू हो गया। उनके पास 9-10 बजे तक काफ़ी रश लग जाता भाई। भाई ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये भाई लेकर आए हमारा ऑर्डर। अभी चपली गाँव आ गया, ट्राई करते हैं। अच्छा भाई, जो हमने चपली कबाब ऑर्डर दिए थे वो आ चुके हैं। ये रहे हमारे चपली कबाब 50 रुपए वाले, 2 चपली कबाब मंगाए हमने, जिसके साथ हमें हरी मिर्च भी फ्राई करके दिए इसके साथ। और ये इनकी स्पेशल चटनी है जो कबाब के साथ देते हैं, और एक चपाती भी मंगाई है हमने कबाब के साथ फ्राई करने के लिए। पहले इनका चपली कबाब भाई ये देखें, ये 50 रुपए वाला चपली कबाब, और ये साइज़ है इसका। अब इसको पहले आपको करीब से दिखाते हैं, दिखाइएगा। ये देखें भाई, ये एकदम गरम गरम हो रहा है, और ये इसका टेक्सचर है, एकदम सॉफ्ट हो रहा है कबाब। इसको वैसे बगैर चटनी के पहले ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट का पता चले टेस्ट कैसा है। तो ट्राई करते हैं विदाउट चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको विदाउट चटनी भी खाएंगे तो आपको चटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप स्पाइसी खाने वाले हैं तो आप चटनी ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसके स्पाइस वगैरह बिल्कुल लेवल पर है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक चटनी के साथ भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। और चटनी में डिप करते हैं और ट्राई करते हैं। चटनी के साथ भी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की थी, खट्टी थी चटनी, तो और मज़ा आ रहा है भाई। अब एक बार चपाती के साथ बाइट देते हैं इसकी, कैसा लग रहा है। एक ज़रा अच्छी सी बाइट बनाते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी तोड़ते हैं इसमें, हल्की सी चटनी में डिप करते हैं, और ये बन जाएगी हमारी बाइट। अब खाते हैं ज़रा। बहुत ही आला भाई, 50 रुपए में अगर आपको ऐसा चटनी और मिल जाए तो और क्या चाहिए, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो आपका एड्रेस वीडियो में बता दिया हमने, आके इसको लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक और वीडियो में नई जगह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।